हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और दोपहर का टाइम है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे हल्की फुल्की ना बारिश हो रही है। मौसम थोड़ा बदला बदला सा है, बिल्कुल डेली ऐसा ही हो रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये कल वाले वट सावित्री के लिए मैंने मंगाया हुआ था, तो इन्होंने ला दिया था, एक दिन पहले ही ला दिया था उस दिन के। लेकिन क्या था ना कि ये देख के आए थे कि वहाँ उधर पूजा हो रही है, कोई कोई लोग कर रहे हैं, तो ये बोले कि बाहर ही जाना बेटर रहेगा। तो मैंने भी सोचा कि सही बोल रहे हैं, तो मैं वहीं पे चली गई और अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया वहाँ पे जाके। और बाबू तो देखिए यहाँ पे लाके इसने फेंक दिया है, इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पीछे खिड़की पे रख दे रही हूँ, लेकिन मुझे हटाना ही पड़ेगा उसको, कहीं अच्छी जगह पे ना उसको बाहर डलवा दूंगी तो बेटर रहेगा। क्योंकि जिस चीज़ की पूजा करते हैं, पूजा के पर्पज़ से लाई थी मैं, तो कहीं भी ऐसे वैसे फेंकना ना सही नहीं है। ये देखिए मैंने पैरों में जो आलता लगाया था, थोड़ा लेट से लगाया था, और यहाँ पे ना कलर भी उतना चटक सा जो होता है ना मिलता नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद से मैं यहाँ पे देखिए ये इसमें क्या ना दो पिल्लो थे, दोनों को परी खेल के इतना कबाड़ बना दिया ना कि ये बिल्कुल अब निकल ही रहा था बाहर, और उसका कवर भी जो है ना बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको वेस्ट नहीं करते हैं, तो उसको मैंने ना उसके रुई जो होते हैं ना कटन खोल खोल के मैंने, और दूसरे वाले पिल्लों में थोड़े दब रहे थे वो, तो उसमें मैंने डाल दिया है। तो इसमें के दो हैं, एक ही मिल रहा है अभी, एक और मिलेगा तो उसको भी ऐसे ही कर दूँगी मैं। और ये जो पिल्लो है ये बिल्कुल बराबर सा हो गया है, ठीक हो गया है एकदम से। और उसके बाद से अब यहाँ पे ये तो काम हो गया, कई दिनों से मैं सोच रही थी ना कि ये कर दूँ और कर ही नहीं पा रही थी। और इसके बाद से मैं आ गई थी यहाँ पे, बीन्स देखिए ताज़े ताज़े से हैं, इसको मैं तोड़ देती हूँ। अभी तो बनाना नहीं है, रात को बनाऊँगी, लेकिन टाइम था तो मैंने सोचा कि इसको तोड़ देते हैं, फिर उस टाइम पर हड़बड़ी ना हो जाए। तो जब टाइम होता है तब मैं सब्ज़ियाँ इकट्ठी कर लेती हूँ, कभी कभी जैसे आलू बनाने हैं वो सब बनाने हैं तब तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये तोड़ने वाले जो होते हैं ना, जैसे सेम हो गए बीन्स हो गए, तो इनको तोड़ के रख लेना ना अच्छा लगता है, सही लगता है मुझे। और देखिए यहाँ पे पूरी मेरी तैयार हो चुकी है और इसको मैंने रख दिया है। उसके बाद से ना टी टाइम था, शाम का मेरा चाय बनाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश में ना चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। साथ में नमकीन मैं ली थी और एक ही कप मैंने चाय बनाया है। हस्बैंड बोले कि मैं सिर्फ नमकीन और काजू ही खा के रह लूँगा, क्योंकि उनको चाय उतना पसंद होता नहीं है। कौन है ये? अक्का। ये कौन बच्चा है? कौन सा बच्चा है ये? क्या नाम है इसका? प्रिंसो नाम है क्या? अक्का। कौन सा बच्चा है ये? प्रिंसो है। नहीं, नहीं 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 नहीं, प्रिंसू फिर कैमरा नहीं घुमाता है, क्या कर रहा है प्रिंसू जी? प्रिंसू यहाँ से कैमरा लेके भाग रहा है, और भाग भाग के क्या बोल रहा है? कि बोल रहा है ना कि इसमें बात करो, इसमें बोलो, ऐसे ऐसे बात करो। आओ ना इधर, यहाँ से बोलो, यहाँ से बोलो ना, दिखाई दोगे। हाँ अच्छा, बाबू बता रहा है काजू खा ले हैं, काजू खा ले हैं, बता रहा है, बोल दो तो काजू, काजू काजू दिखा दीजिए तो, काजू कैसा होता है ये लीजिए, दिखा दीजिए तो काजू कैसा होता है। या इसमें नहीं डालते हैं, चाय में नहीं डालते हैं, ऐसे खाते हैं काजू, देखें ऐसे खाते हैं काजू। गुड बॉय, गुड बॉय। आज शाम को चाय पीने का मन कर दिया, ऐसा वेदर हुआ है ना, बढ़िया सा हुआ है, बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो मन किया कि चाय पीने का। मम्मा ने क्या बनाया? मम्मा ने क्या बनाया? चाय, चाय क्या बनाया मम्मा ने? चाय, चाय। और आप में से ना कुछ लोगों के कमेंट्स थे मेरे चोटी को लेके,
कि आपने दी कैसे बनाया है इतना ये लूज वाला चोटी। तो ये सिंपल वाला बिल्कुल चोटी है, आप लोग भी जानते होंगे शायद, पता नहीं वीडियो में कैसी आई थी, एक हफ्ते पहले की बात है जब मैंने चोटी की थी। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे उसमें इसी तरह से बनाया था बीच में। तो ये जो चोटी है ना, ये बिल्कुल सिंपल सी चोटी है, इसको मैंने बालों को पीछे किया हुआ है। आगे आपको जैसा भी बनाना है वैसा बना सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग बीच मांग से करते हैं, बहुत सारे लोग साइड मांग से करते हैं, तो ऐसे आपको कर लेना है। और पीछे में बस मैंने तीन पार्ट में बालों को ले लिया है, और तीन पार्ट में लेके मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। देखिए बस ये मैंने ना तीन पार्ट में बालों को लिया था, और एक को घुमाना है, दूसरे को घुमाना है, तीसरे को फिर घुमाना है, फिर इधर वाले को घुमाना है, जो भी आती है ना राइट और लेफ्ट में उसको घुमाते रहना। मुझे पता है कि आप सबको भी पता है, लेकिन जो लोग पूछ रहे थे तो उनको मैंने बता दिया कि मैंने इसी तरह से बनाई थी। और एक और आप इस तरह से लूज चोटी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने तीन पार्ट में किए ना, आप दो ही पार्ट में करिए उसको, पीछे से ही जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं ना वहीं से आपको बस ये, जैसे ये हो गया ना, तो मैं दो ही पार्ट में लूंगी और सागर चोटी की तरह। और इधर वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा लेके हम लोग इधर कर देंगे और इसमें पूरा मिक्सअप कर देंगे, और इसको थोड़ा सा यहाँ से लेंगे और पूरा इधर करके ना पूरा मिक्सअप कर देंगे, फिर इधर थोड़ा सा लेंगे और इधर वाले में पूरा मिक्सअप कर देंगे। तो ये जो है ना, ये बहुत बारीक बारीक सी बनती है ये, और ऊपर से नीचे तक बनती है। तो ये इससे ना बाल और भी लंबे लगते हैं और बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत बढ़िया लुक आता है। लेकिन मेरे पास ना उतना टाइम ही नहीं होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है सच कहूँ तो, इस वजह से मैं बहुत सारी हेयर स्टाइल या फिर ऐसे नहीं बना पाती हूँ। और सागर चोटी के लिए ना बहुत पहले से रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं देखती हूँ कब बनाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और टाइम की बात नहीं है, खुद से बनाए हुए बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ। लेकिन सॉरी कि मैं आप नहीं बना पा रही हूँ, जिन लोगों की भी रिक्वेस्ट है ना, उनकी रिक्वेस्ट मैं इतनी जल्दी पूरी नहीं कर पा रही, इसके लिए मैं सॉरी रहूंगी। मैंने टेलीफोन बनाया था एक, इसमें आता मैं दिखाती हूँ, मैजिक होगा, मैजिक दिखाने वाली है अभी। हाँ चलो सेवन, देखिए यहाँ पे 1 4 7 आ गया, और हम लोग ये दबाएंगे, फिर हम लोग कुकिंग कर देंगे, फिर हम लोग कैसे बात करेंगे। और यहाँ पे कैट, हम यहाँ पे कैट कवर लगा कलर रेड रेड है, ये इसी का बड़ी फोन बनाई है, ये कार्टून का फोन बनाई थी बाबू के लिए, बाबू सबका फोन है अब प्रिंसू के लिए बना दी है, लेकिन प्रिंसू वो ले ही नहीं रहा, उसको चाहिए असली वाला फोन जो कि चलना चाहिए, स्क्रॉल होना चाहिए। मैं नकली बना। अब यहाँ जाके स्क्रॉल नहीं करते हैं ना, यहाँ जाके स्क्रॉल नहीं करते हैं बिट्टू। देखिए ले रहा है मेरा फोन। ओके हेलो कर दीजिए, तो हेलो करिए तो। हाँ हेलो दो, परी का आइडिया काम आ गया। अरे वाह, प्रिंसू दो दीदी को, प्रिंसू हेलो करिए, हेलो करिए, हेलो करिए, प्रिंसू दो दीदी को, आप दीदी को। अब हो गया दोनों में झगड़ा, अब नहीं 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 प्रिंसू नहीं, अब दोनों में हो गया है जबरदस्त झगड़ा, अब बाबू को थोड़ा सा मनाना पड़ेगा। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। शाम का टाइम हो चुका है इस टाइम, एकदम मतलब 6 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है, 6:30, और हम लोग छत पे आ गए थे खेलने के लिए और बाबू को खिलाने के लिए। वही मैं आगे आगे दौड़ रही हूँ, पीछे पीछे दौड़ रहा है, ऐसे ही वो चाहता है कि हर टाइम में कोई ना कोई उसके साथ खेलता रहे, लेकिन इतना पॉसिबल कहाँ हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि बच्चों को टाइम दें, और ये सही है कि हर पेरेंट्स को ना बच्चों को टाइम तो देना ही पड़ता है। पर ये बाबू जा रहा है, देखो नीचे का गेट खोल रहा है, ये लेके जा रहा है बेटा, किसे टॉक करना है। अच्छा पर आपके फ्रेंड्स है ना, अभी तो हाय कर रही थी, अभी तो हाय कर रही थी, टॉक करना है तो टॉक करिए यहाँ से, तो आप जोर से बोलोगे सांभी, सब बोलेंगे सांभी, अब बोलो प्रज्ञा आपका, ऋषा आपका, सबका नाम लेके बोलो, सब बोलेंगे आपसे। आप धीरे बोल रहे हो ना, आवाज़ नहीं जा रही है, ठीक है जोर से बोलो और। पूरा यहाँ पे अंधेरा टाइप का हो चुका है, नीचे जाना है मुझे, अभी खाना वाना भी बनाना है,
तो उसके बाद से हम लोग नीचे आ गए थे और जो बीन्स मैंने तोड़ के रखी थी उसको मैं सब्जी बना रही हूँ। तो थोक में मैंने थोड़ा सा प्याज भी डाला है और मिर्ची और लहसुन भी डाला हुआ है और यहाँ पे मैंने छौंक लगा दी है। लेकिन इसमें एक आलू मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ बीन्स की जो भुजिया होती है ना वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पूरी सिम जाती है ना उस वजह से हल्की कोकू टाइप हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक आलू मैं डालूंगी परी के पर्पज से क्योंकि वो नहीं खाएगी, वो ग्रीन देख लेती है ना, तो नैनवा का भी सब्जी ऐसे ही करती है, नहीं खाती है। अगर हम लोग चिपका के दे दे रहे हैं, मुँह में दे दे रहे हैं तो वो खा लेती है, उसको पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसे नखरा करती है। सारे बच्चे मुझे लगता है ना ऐसे ही करते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको करेला या फिर नैनवा या फिर बीन्स ये सब खाना पसंद होता है। और अब तो बड़े हो रहे हैं बच्चे तो शायद खाने लगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है अभी भी मेरे साथ ऐसा। और यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो रहा है, सब्जी बन गई है, आटा लगाना है मुझे और बस अब खाना तैयार ही हो जाएगा। करीब ये टाइम हो रहा होगा 8 बजे का, तो 8 बजे मैं जल्दी नहीं इसी टाइम पे मैं खाना बनाती ही हूँ। लेकिन खाने में या फिर बनाने में कभी कभार ही होता है ना कि लेट हो जाता है बस। और यहाँ पे देखिए मैंने सब नमक इसमें डाल दिया है और देखिए और इसमें आलू भी डाल दिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके बाद से वो जब तक पकेगा मैं उसमें हल्दी वगैरह सब कुछ डाल दूंगी, तब तक मैं यहाँ पे आटा लगाऊंगी। और मेरा जो चकला है ना, चकले का तीन जो उसमें लगा रहता है ना खड़े करने के लिए, उसमें से एक मेरा निकल गया है, पता नहीं कैसे, उसी को मैं ठोक रही हूँ और लगा रही हूँ। चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार।